वेलकम बैक। स्टिंग ऑपरेशन के बाद सवालों में घिरे हरीश रावत रविवार को खुद मीडिया को अपने घर लेकर पहुंचे और ये बताने की कोशिश की कि उनके घर को देखकर कोई भी उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। देहरादून से आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज पूरे मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनका जो घर है, उनका जो बेडरूम है, उनका जो स्टडी रूम है, वो दिखाया। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर का हर कोना छान लो, मेरी हर संपत्ति देख लो, जो मैंने सामान इकट्ठा किया वो देख लो, मैंने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। वो पूरी मीडिया की टीम को लेकर अपने घर का, जो उनका अपना निजी घर है, जो सरकारी आवास है, अपने बेडरूम तक ले गए, अपने स्टडी रूम को दिखाया, अपने ऑफिस को दिखाया और कहा कि उन्होंने एक पैसे का भी करप्शन नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उत्तराखंड की जनता के हित में किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने साथी और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर उन्होंने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत ने हर फैसला पैसे को लेकर किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपने हरक सिंह के भ्रष्टाचार पर, उनकी कारस्तानियों पर अपनी आंखें क्यों मूंद ली, तो उन्होंने कहा चूंकि वो जो पावर बैलेंस था, जो समर्थन था, वो बहुत डेलिकेट था, लिहाजा उन्होंने जनता के फैसले में, उत्तराखंड के हित में उन्होंने अपनी आंखें मूंद के रखी हरक सिंह रावत पर, उनके तमाम फैसलों पर, जिसके चलते हरक सिंह रावत लगातार करप्शन करते रहे। ये सवाल जरूर उनसे बार बार पूछा गया कि आखिर जब आपको मालूम था कि हरक सिंह रावत भ्रष्टाचार करे, बावजूद उनके आपने संविधान की शपथ ली है, आपने क्यों उनको भ्रष्टाचार करने दिया, तो बार बार वो जनता के हितों की और उत्तराखंड के हितों की दुहाई देते हुए सवाल से बचते रहे। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया कि वो अपनी गलती मानते हैं कि उनको पहले ही हरक सिंह रावत पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए था। बाद में हरीश रावत ने ये भी कहा कि उन्होंने हरक सिंह रावत को जब भ्रष्टाचार करने से रोका, उसका नतीजा ये हुआ कि हरक सिंह रावत ने बगावत की और 9 विधायकों के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिशों में लग गए। कैमरा पर्सन सुशील डोगरा के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, देहरादून।